हे दोस्तों, आप लेफ्ट ब्रेनर हो या फिर राइट ब्रेनर हो? वेल, अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और कौन से साइड वाला होना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आज के लिए अकॉर्डिंग टू डैनियल एच पिंकमैन, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं गेम से, जिससे मालूम पड़ेगा कि आप लेफ्ट ब्रेनर हो या फिर राइट ब्रेनर। ठीक है, अभी मैं आपके साथ 9 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसके अंदर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। आपको उन 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस को चूज करना है और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो कि आप लेफ्ट ब्रेनर हो या फिर राइट ब्रेनर हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आई वुड प्रिफर ए सॉल्विंग अ पजल मैथ्स प्रॉब्लम या फिर बी ड्रॉइंग और प्लेइंग म्यूजिक। सेकेंड क्वेश्चन है, मेरे लिए लोगों को याद करना ईजी है ए उनके नाम से या फिर बी उनके फेस से। थर्ड क्वेश्चन है, इन थम्स में से कौन सा थम ऊपर है, ए राइट वाला या बी लेफ्ट वाला। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन से क्वेश्चंस का स्टाइल आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं या फिर बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें आप ऐसे ये सारी चीजें लिखते हो, मतलब लॉन्ग आंसर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इन दोनों लेग में से कौन सा लेग टॉप पे है, ए राइट लेग या फिर बी लेफ्ट लेग। छठा क्वेश्चन, जब भी आप कोई नया सॉन्ग सुनते हो तो आप किस पे ज्यादा फोकस करते हो, ए लिरिक्स पे या फिर बी मेलोडी पे, मतलब म्यूजिक पे। सेवेंथ क्वेश्चन, क्या आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, ए नहीं बी यस। आठवां क्वेश्चन, ये जो आपको सामने वीडियो दिख रहा है उसमें जो डांसर है वो क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और लास्ट क्वेश्चन, कोई भी चीज जब आपको जज करनी होती है तो आप कैसे जज करते हो, ए लॉजिकली या फिर बी इमोशनली। ऑब्वियसली ज्यादा आप कैसे जज करते हो, अब देखो आप इसके अंदर से आपके ए ज्यादा है या फिर बी ज्यादा है। अगर आपके ए का जो स्कोर है वो ज्यादा है बी के कंपैरिजन में तो आप लेफ्ट ब्रेनर हो, मतलब आप ज्यादा लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, प्लानर हो, जो प्रिसाइस रहना पसंद करता है। लेकिन अगर आपके आंसर्स में बी ज्यादा आया है तो इसका मतलब आप राइट ब्रेनर हो, जो ज्यादा क्रिएटिव होता है, एम्पैथेटिक होता है, आर्टिस्टिक होता है, एक इंसान जो ज्यादा होल पिक्चर देख सकता है। अब ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस क्या सच में जरूरी थे, कुछ काम की चीज है या फिर ये ऐसी बस टाइम पास करने वाला गेम था? वेल, देखो ऑथर डैनियल एच पिंकमैन बोलते हैं ना कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के थिंकर्स होते हैं। एक होते हैं लेफ्ट डायरेक्टेड थिंकर्स और दूसरा होता है राइट डायरेक्टेड थिंकर्स। और अकॉर्डिंग टू ब्रेन डोमिनेंस थियरी, ये दोनों ब्रेनर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंटली सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, राइट ब्रेनर्स जो होते हैं ना वो ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जबकि जो एल डायरेक्टेड थिंकर्स होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और नंबर ड्रिवन होते हैं। और ये सारी चीजों के पीछे कुछ तो लॉजिक है, और ये मैं बोल पा रहा हूं बिकॉज इसके पीछे एक 50 साल की न्यूरोसाइंस की स्टडी है जो अभी आपको अगले 30 सेकंड में पता चल जाएगी। देखो 1950s में रॉजर विलकॉट नाम के इंसान थे, उन्होंने मिर्गी के पेशेंट्स के ऊपर डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स करा था, जिससे उन्हें समझ में आया कि जो राइट साइड होता है ना ब्रेन का, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव हिस्सा, वो लेफ्ट साइड के हिस्से से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब ये जो लॉयर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स होते हैं, जो इन जनरल एल डायरेक्टेड थिंकर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर डायरेक्टेड थिंकर्स। उनके पास आज के टाइम पे ज्यादा एज है। कैसे? वेल, इसके पीछे 3A का कॉन्सेप्ट है, 3 बड़े रीजन है जिसे वो AAA भी बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं ना कि आज के वर्ल्ड के हिसाब से, करंट बिजनेसेस, वर्ल्ड इकोनॉमी, करियर के हिसाब से राइट ब्रेनर्स के पास लेफ्ट ब्रेनर्स के हिसाब से ज्यादा एज है। अब देखो अच्छी बात यह है ना कि अगर आपने वो जो पहले टेस्ट मैंने गेम खेला जिसमें 9 क्वेश्चन पूछा, उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि आप लॉजिकल इंसान ज्यादा हो और आपके पास एज नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे ना स्क्रिप्ट में मैं आपके साथ 6 ऐसी एबिलिटीज शेयर करने वाला हूँ जिसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, बट पहले देखो ये समझ लेते हैं कि क्यों डैनियल एच पिंकमैन ऐसा बोल रहे हैं कि राइट ब्रेनर्स के पास ज्यादा एज है आज के टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया वो 3A के रीजन है जो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो डैनियल पिंक ने अपनी बुक में शेयर करा है जिसका नाम है अ होल न्यू माइंड, जो कि काफी अच्छी बुक है। ठीक है, अभी आते हैं उन 3 रीजन में से, 3 A's में से, जिसमें से पहला ए मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऑटोमेशन। अब देखो ऑटोमेशन का ऑब्वियसली मतलब है ऐसे काम जिसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट काफी कम होता है या ना ही होता है। ऑथर बोलते हैं कि आजकल ना सारे व्हाइट कॉलर जॉब काइंड ऑफ खतरे में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक डाइवोर्स फाइल करना है तो आपको किसकी जरूरत होगी, लॉयर्स की, राइट? अब जो लॉयर्स होते हैं ना, उनकी जो लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज होती है वो काफी अच्छी होती है, वो यूजुअली पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हो जाते हैं काम कर करके। बट एक बहुत बड़ा बट, क्या आपको पता है completecase.com करके एक वेबसाइट है जहां पे आपको आपके डिटेल्स इनपुट करने का एरिया दिया जाता है, जहां पे डाइवोर्स का रीजन आपको डालना होता है। ऑनलाइन ही लॉयर एक घर बैठे बैठे $150 चार्ज करता है, वो पेपर्स को रिव्यू करके, उसको साइन करके, स्टैंप मार के आपको दे देता है, और बस फिर बूम, आपके एक्स पार्टनर के घर पे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, वो साइन कर देता है या कर देती है, जिससे आपका प्रोसेस खत्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, अगेन बूम, आप लोग डाइवोर्स हो गए। ना देखो ये जो चीज हुई वो सिर्फ $150 में हो गई, लेकिन पहले अगर ट्रेडिशनल मेथड से कराया जाता ऑफलाइन तो उसके लिए USA में अराउंड $2,000 से $3,000 पे करने पड़ते हैं। बट वही काम आज के टाइम पे $150 से $200 में हो जाता है। तो अब बताओ ऑब्वियसली लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे,
ऑनलाइन इजियर प्रोसेस जो सस्ता भी है, या फिर लॉन्ग प्रोसेस जो महंगा है। ऐसी ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम काम जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग लगती है वो यूजुअली धीरे धीरे करके AI, रोबोट्स ये सारे लोग उसे आपसे छीन लेंगे। यह है पहला रीज़न। सेकेंड ए आता है अबंडेंस। एक बार ऑथर एक सेमिनार ले रहे थे जिसके अंदर उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि आप लोग हाथ उठाओ अगर आप लोग के पास एक गाड़ी है तो, अगर आपके पास दो गाड़ी है तो दो हाथ उठाओ, और अगर आपके पास तीन गाड़ी है तो आप खड़े हो जाओ, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप हाथ मत उठाना। आपको पता है जब उन्होंने ये एक्सरसाइज करी तो वहाँ पे एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास कार नहीं थी। इनफैक्ट दो हाथ उठाने वाले भी बहुत सारे आदमी थे। और बस सेमिनार की बात नहीं, स्टैट्स की बात करें तो आज USA में कार्स की क्वांटिटी लाइसेंस होल्डर से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ड्राइवर्स इतने नहीं हैं जितनी वहाँ पे कार्स है, और इसे ही बोलते हैं अबंडेंस। जैसे एक और एग्जांपल देखें तो अमेरिका की जो स्टोरेज इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे लोग अपने एक्स्ट्रा स्टफ, एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, वो इंडस्ट्री ही $39.5 बिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब सोचो उनके पास इतना एक्स्ट्रा स्टफ है कि उस चीज़ को रखने के लिए भी लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं। और ये चीज़ देखो धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो रही है। जो लोग गरीब है वो लोग बहुत गरीब है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे है उनके पास अबंडेंट पैसे है, उन लोगों के पास बहुत पैसे है, उन लोगों के पास हमेशा देखना आप एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है। तो अगर आप ऐसा बिजनेसमैन भी जाओगे, कुछ काम करने के लिए भी जाओगे, तो पैसे उन लोगों के पास ही है जिनके पास अबंडेंट है ऑब्वियसली। और इसी हिसाब से आप देख सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड अबंडेंस का माहौल चल रहा है। और ये अबंडेंस के एनवायरनमेंट की वजह से अभी दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको एक अबंडेंट मार्केट को बीट करना है तो वहाँ आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। माइकल ग्रेव्स करके एक इंसान है जो कि बहुत ग्रेट आर्किटेक्ट है और डिजाइनर है, जिन्होंने एक टॉयलेट ब्रश डिजाइन करा और उसके ऊपर उन्होंने अपनी सिग्नेचर डाल दी। ना इतनी सी चीज करने की वजह से क्या हो पता है, माइकल ग्रेव्स के जो टॉयलेट ब्रशेस थे ना वो दूसरों से ज्यादा बिके। क्यों? बिकॉज देखो टॉयलेट ब्रश का काम तो सेम ही है, अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो सिर्फ एक ही काम करता है, टॉयलेट को साफ करने का। लेकिन जब माइकल ग्रेव्स ने उसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी डाल दी, एक सर्टन लेवल ऑफ एडवांसमेंट कर दिया अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, उसे एक स्पेसिफिक कलर देके, उसे एक स्पेसिफिक डिजाइन देके जो लोगों को अच्छा दिख रहा था, तो इसकी वजह से ही उनके ब्रशेस काफी ज्यादा बिके और उनका प्रोडक्ट सेलेबल हो गया ऐसे मार्केट में जहां अबंडेंट दूसरे ब्रशेस बिक रहे थे। ऐसी एक और एग्जांपल है फ्लाई स्वेटर का। एक और फ्रेंच के डिजाइनर ने क्या किया कि फ्लाई स्वेटर होता है ना जिसे मक्खी को मारते हैं, उसे उन्होंने डिजाइन किया। नॉर्मली जो फ्लाई स्वेटर होते हैं ना वो $5 के बिकते थे, लेकिन जो फ्रेंच डिजाइनर ने बनाया ना वो स्वेटर $14 का बिकता था और लोग उसे खरीदते भी थे। क्यों? अगेन रीजन बिकॉज उन्होंने थोड़ा क्रिएटिवली उस चीज को बनाया था, थोड़ा हटके बनाया था जो दिख के अच्छा आता था। और यही बोल सकते हो एक और रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस में भी राइट ब्रेनर्स के पास ज्यादा एडवांटेज आ जाता है। अब जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है अबंडेंस मार्केट का, वो है अबंडेंस गैप का प्रॉब्लम। देखो दोस्तों अगर आप अमेरिकन GDP का चार्ट देखोगे 1956 से लेके 2006 तक का, तो इस टाइम पे अमेरिका 3 गुना ज्यादा प्रॉस्परस हो गया था, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट? और जैसे कि हम सब लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा हैप्पीनेस भी होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने काफी रिसर्च करी, कई सारे सिंपल क्वेश्चंस पूछ के लोगों के ऊपर रिसर्च करी, जैसे कि क्या आप खुश हो। और ऐसी रिसर्च करके उन्होंने देखा ना कि अमेरिका का जो GDP का चार्ट था वो तो टाइम टू टाइम बढ़ रहा था, लेकिन लोगों का जो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन का चार्ट था ना वो हमेशा एकदम फ्लैट था, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। इसलिए आप देखोगे ना कि ये सारी जो बुक्स होती है थिंक लाइक अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी या मेडिटेशन की कोर्सेज, ये सारी चीजें जो पर्पस ड्रिवन होती है, वो सब चीजें अमेरिका में काफी चलती है, बिकॉज ये सारी चीजों की वजह से उनको मीनिंग और पर्पस मिलता है जिंदगी का। वरना मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार अब तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए, पैसे कमा लिए, लेकिन अब क्या। तो ये सब चीजों में भी जो राइट ब्रेनर्स होते हैं ना उनको एज मिल जाता है, बिकॉज वो लोग क्रिएटिवली सोच पाते हैं और पर्पस पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ पैसे पे। ये थे सेकंड ए के दो रीजंस जिसकी वजह से राइट ब्रेनर्स के पास एज है। और लास्ट आता है थर्ड ए जो है एशिया। देखो ऑथर डैनियल पिंकमैन बोलते हैं कि मैं इंडिया में 6 लोगों से मिला था, ये 6 में से कुछ लोग नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग कैनेडा के लिए, कुछ लोग जर्मनी के लिए, कुछ लोग अमेरिका के लिए। अब यहाँ हैरानी वाली बात ये थी ना कि इनमें से किसी के पास भी कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री नहीं थी, बट फिर भी ये लोग $25,000 जितना कमा रहे थे ईयरली, जो इंडिया में अराउंड 51 लाख के आसपास होता है। टिम फेरिस ने भी अपनी बुक 4-Hour Workweek में बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी कंपनी के कामों को चीपर रेट्स में किया है इंडियन लोगों को अपना काम आउटसोर्स करके। इनफैक्ट उन्हें इंडियंस के साथ काम करने बहुत पसंद भी आता है, वो लोग काफी ईमानदारी से ज्यादा काम करते हैं, और जहाँ पे USA में जिस पैसे को अंडरपेड बोला जाता है वहीं पे उनके लिए वो पैसे ओवरपेड होते हैं। सो एक और रीजन ये भी है, इंडियंस और इंडिया के जैसे जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में ही 437 मिलियन लोग जो है जो एजुकेटेड हो रहे हैं, जो आने वाले टाइम में इंटरनेट की हेल्प से दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, वो लोगों को US वाले भी फॉरन वो जो लेफ्ट ब्रेनर वाले काम होते हैं वो आउटसोर्स करते रहेंगे, बिकॉज वो उनके लिए चीप भी है और इंडिया वालों को भी इससे फायदा हो रहा है, जिसके जैसे फिर और ऐसा हो जाएगा कि उन्हें भी राइट हेमिस्फीयर वाला ही बनना पड़ेगा, राइट ब्रेनर ही बनना पड़ेगा, चीज़ों को क्रिएटिवली ही करनी पड़ेगी। और अमेरिका में कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे इंडिया में भी होने लग जाती है। कंपटीशन के इस टाइम में आपका क्रिएटिव होना भी बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए जो भी करियर आप चूज कर रहे हो ना, वो चूज करने से पहले इन तीन एज के हिसाब से अपने आपसे तीन क्वेश्चन जरूर पूछना। पहला, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे से दूसरे लोग चीपर रेट में कर सकते हैं, मेरी कंट्री से या दूसरी कंट्री से। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो कंप्यूटर और AI कर सकता है मेरे को रिप्लेस करके। और थर्ड, इस अबंडेंस वाली सिचुएशन में आप ऐसी कौन सी चीज़ सेल कर रहे हो जो डिमांड में रहेगी। तो ये थे तीन रीजन जिसके वजह से ऑथर बोल रहे थे कि जो राइट ब्रेनर्स होते हैं ना उनके पास एज है। अब अगर आपका टेस्ट में लेफ्ट ब्रेनर आया था तो फिक्र मत करो, अभी मैं आपको 6 तरीके बताने वाला हूँ जिसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को बाहर निकाल सकते हो और अपने ब्रेन के राइट साइड को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आपको क्रिएटिव बना के या अपने आपको राइट ब्रेनर बना के बोल सकते हो। पहली चीज जिस पे आप फोकस कर सकते हो वो है डिजाइन। जो दोस्तों 2016 में जनरल मोटर्स ने काफी बड़े बड़े लॉसेस को बैर किया, वो टाइम पे उन्होंने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस को रिकवर करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट लुट्स ने कहा कि देखो, हम जो जनरल मोटर्स है ना, वो सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, सिर्फ लॉजिकल बन के प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, हमें आर्ट्स और एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए हमारे डिजाइन के थ्रू। ऐसी अगर हम एक और एग्जांपल ले, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एप्पल का नाम ले, तो उसके अंदर देखो स्टीव जॉब्स जो थे ना, वो लॉजिकली फंक्शंस फीचर्स पे फोकस तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ या फिर आप बोल सकते हो उससे भी ज्यादा जिस चीज पे वो फोकस करते थे वो था डिजाइन, सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी। आईपॉड, ये सारी चीजें लॉजिकल तो बहुत थी बट क्रिएटिव भी बहुत थी, जिसकी वजह से ही वो उसे इतना अच्छे से बेच पाए, लोगों को वो पसंद भी आई। और यही चीज प्रॉक्टर एंड गैम्बल के CEO भी बोलते हैं कि आई डोंट थिंक कोई भी हमें डिजाइन कंपनी कंसिडर करता है बिकॉज वो लोग वॉशिंग पाउडर कंपनी है, बट स्टिल वो बोलते हैं कि वी आर फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग परचेसिंग एक्सपीरियंस, डिजाइनिंग कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, डिजाइनिंग यूजर्स एक्सपीरियंस, आई मीन इट इज ऑल डिजाइन। जिस चीज पे आपको भी फोकस करना चाहिए थोड़ा बहुत। सेकंड चीज जिस पे आप फोकस कर सकते हो वो है स्टोरी। एक बार डैनियल पिंकमैन है ना वाइन खरीदने गए एक शॉप में ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। जब उन्होंने पहली वाइन की बॉटल ली तो उसके ऊपर एक नोज बना हुआ था, नाक बनी हुई थी जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, इसलिए उन्होंने उसको रख दिया। फिर उन्होंने दूसरी वाइन की बॉटल ली जिसके ऊपर ना लिखा हुआ था अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स और ये सारी चीजें लिखी हुई थी, बहुत टेक्निकल स्टफ्स था। जिसके बाद उन्होंने थर्ड वाइन की बॉटल उठाई जिसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा था ऑब्वियसली, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि ये जो वाइन कंपनी है ना वो दो ब्रदर्स ने मिलकर बनाई है, एक ब्रदर एलेक्स जो वाइन इंपोर्टर था और दूसरा ब्रदर एरिक जो टैटू आर्टिस्ट था, और ये जो उन्होंने वाइन कंपनी बनाई है तो वो एक तरीके से होमेज है, एक नॉन सीरियस वे में, उनकी माँ के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ कैंसर से हो गई थी। और ये जो लेबल उन्होंने बनाया, कंपनी बनाया है, वो उन्होंने एक गुड कॉज के लिए बनाया है, जिसके हर बॉटल सोल्ड होने पर वो लोग 50 सेंट डोनेट करेंगे एक ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन। प्लस उन्होंने ये भी बताया था वहाँ पे कि जब से उन्होंने ये चीज को स्टार्ट किया है 2002 से लेके, जो बिग टैटू वाइन्स है उसने $850,000 से ज्यादा की चैरिटी दे दी है अभी तक। अब आप ही बताओ इन तीनों वाइन्स में से डैनियल ने कौन सा वाइन चूज किया होगा। ऑब्वियसली उन्होंने थर्ड वाला चूज किया। क्यों? बिकॉज स्टोरीज बहुत पावरफुल होती है और वो कोई भी चीज को बहुत अट्रैक्टिव बना सकती है अगर आप उसे अच्छे से यूज करते हो तो। इसलिए स्टोरी टेलिंग की स्किल भी जरूर सीखो, और ये चीज थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो कंटेंट क्रिएटर बनने में, थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग सीखने में, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने में। तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी है, गूगल फॉर्म की लिंक है, वहां जाके अपनी डिटेल्स भर दो। वो जब आप भरोगे तो एक पेज रीडायरेक्ट होगा जहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जो एक DBC का प्रीमियम ग्रुप है उसकी आपको लिंक मिलेगी। वो आप ज्वाइन करोगे तब आपको एक फ्री कोर्स भी मिलेगा कंटेंट क्रिएशन का मेरी तरफ से, प्लस आपको ये भी वहाँ पता चलेगा कि कैसे आप डायरेक्टली मुझसे चीजें सीख सकते हो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। तो वो जाके जरूर भर देना। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो है सिम्फनी। देखो आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी, मेरे वीडियोस के थ्रू भी सुनी होगी कि कैसे आपको बस एक चीज पे फोकस करना चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर आपको किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट्स चाहिए ना तो एक चीज पे फोकस करना जरूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हो ना तो आपको बिग पिक्चर देखने में आना चाहिए। और यही चीज बोलते हैं डैनियल। वो बोलते हैं ना, देखो जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स होते हैं ना वो लोग 4 times मोर डिसलेक्सिक होते हैं नॉर्मल लोगों से, जैसे कि चार्ल्स, रिचर्ड ब्रांसन, आइंगवर्ड कैम्प्रेड, डेविड नीलमैन, ये सभी लोग डिसलेक्सिक थे। जो लोग है ना चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते थे, एक अलग नजरिए से देखते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं भी आपके साथ थोड़ा सा छोटा सा ऑफिस से गेम खेलता हूँ। अभी देखो आपके स्क्रीन में एक इमेज आई है, ये फेडेक्स की। आप मेरे को बताओ कि अल्फाबेट्स छोड़ के आपको इस इमेज में और क्या दिख रहा है, कोई साइन दिख रहा है क्या? वेल देखो ज्यादातर लोग है ना सिर्फ फेडेक्स पे फोकस करेंगे, FEDEX, मतलब बेसिकली लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं और बिग पिक्चर नहीं देख रहे हैं। जबकि जो लोग अलग तरीके से क्रिएटिवली इस चीज को देखेंगे ना तो उनको वहां पे एक एरो भी दिखेगा, एक्स के बीच में, ई और एक्स के बीच में देखो उनको दिखेगा एरो। इसे ही बोलते हैं बिग पिक्चर देखना। एक और एग्जांपल दूं तो देखो ये वाला न्यूज, ये न्यूज का जो लोगो दिख रहा है वो ज्यादातर लोगों को सिर्फ न्यूज जैसा ही लगेगा, बट अगर आप थोड़ा क्रिएटिवली देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पीकॉक भी दिखेगा। इसलिए अगर आप बिग पिक्चर भी देखना चालू करोगे, चीजों को अलग तरीके से देखना चालू करोगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जो करने में अगेन आपको बुक रीडिंग काफी हेल्प कर सकती है बिकॉज वो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखी होती है। प्लस ये जो वीडियोस होते हैं जो आप हर संडे देखते रहते हो, ये वीडियोस भी आपको क्रिएटिव बनने में हेल्प करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पैथी। देखो आज के टाइम पे एम्पैथी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाँ टेक्निकल काम तो लोगों को आउटसोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन एम्पैथेटिक होना आउटसोर्स किया नहीं जा सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए आपको ना कस्टमर्स के शूज पहनना जरूरी है, मतलब उनकी जगह पर रहकर चीजों को देखने आना बहुत जरूरी है। और ये चीज सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर जगह बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेफरसन स्केल ऑफ फिजिशियन एम्पैथी JSPE के हिसाब से एम्पैथेटिक डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उनके पेशेंट्स जो होते हैं वो काफी जल्दी क्योर हो जाते हैं कंपेयर टू अनएम्पैथेटिक डॉक्टर्स के। इसलिए अपनी एम्पैथी पे भी जरूर काम करना। नेक्स्ट आता है प्ले। आपने ये कोट तो सुना ही होगा ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, जिसका बेसिकली मतलब यही है कि थोड़ा बहुत खेलना, अपने दोस्तों के साथ चिल करना, हंसना खेलना, ये किसी भी सेक्टर में आप जाओ जरूरी है। ये चीज आपको क्रिएटिव रहने में भी हेल्प करेगी, वरना आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, तो इसलिए भी जरूर करो। और इसके ऊपर ऑथर एक एग्जांपल भी देते हैं कि एक बार जब वो इंडिया विजिट करने गए थे ना, तो उन्होंने सुबह सुबह देखा 6 बजे एक औरतों का ग्रुप था जो लोग लाफ्टर थेरेपी कर रहे थे। मतलब आपने भी देखा होगा ना, लोग सुबह सुबह उठ के हंसते हैं, वो लोग जो उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगा कि कैसे ये लोग मिलते हैं और बिना रीजन हंसते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये जो चीज थी ना, वो एक इंडियन डॉक्टर ने ही स्टार्ट किया था, जब उसे ये समझ में आया था कि हंसने से काफी सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं शाहरुख खान के स्टाइल में कि जियो हंसो खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। और लास्ट जो चीज आपको हेल्प करेगी वो है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। देखो कोई भी बिजनेस को आपको हाईली सक्सेसफुल बनाना है ना, तो आपको उस बिजनेस के पीछे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मीनिंग होना बहुत जरूरी है, पर्पस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टार्ट विद वाई के जो ऑथर है साइमन सिनेक, वो बोलते हैं होल फूड्स के फाउंडर और सीईओ जॉन मैकली का एग्जाम्पल देते हुए, जहां वो बोलते हैं कि देखो प्रॉफिट बनाना तो हाँ सच में जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, उसको हिट बनाने के लिए, और होल फूड्स भी पैसे बनाने पर फोकस करता है, लेकिन इसके साथ साथ जिस चीज पे हम और ज्यादा फोकस करते हैं वो है टू इंप्रूव हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरीवन ऑन द प्लेनेट थ्रू हायर क्वालिटी ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन। और ऑब्वियसली हम लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग प्रॉफिटेबल ना हो तो, इसलिए हम लोग फोकस करते हैं प्रॉफिट्स पे भी। बट एक बात याद रखो, देखो दुनिया में हाँ मैक्सिमम लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते हैं। वैसे ही हाँ दुनिया में मैक्सिमम बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन हर बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, ना होना चाहिए। और इसीलिए वो लोग भी एक हायर पर्पस पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो होल फूड्स भी ना एक बड़ी कंपनी बन पाई है $13.7 बिलियन की। रीजन यही है बिकॉज उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, मीनिंग है, जो उनको ड्राइव करता है काम करने के लिए, बेटर प्रोडक्ट्स देने के लिए अपने कस्टमर्स को। तो बस रिवाइज करने के लिए अगर बताऊं तो 3 रीजन जिसकी वजह से राइट ब्रेनर्स के पास लेफ्ट ब्रेनर्स से ज्यादा एडवांटेज है। पहला है ऑटोमेशन, बिकॉज ज्यादातर चीजें ऑटोमेशन पे जा रही है। सेकंड है अबंडेंस, बिकॉज जिन लोगों के पास पैसा होता है यूजुअली इनके पास अबंडेंस में चीजें होती है, तब अगर आपको उठ के आना है, लोगों की आंखों में चमकना है, तो क्रिएटिव होना जरूरी है। और तीसरा है एशिया, जहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं और वो लोग बोरिंग रेपिटेटिव काम करने से नहीं डरते हैं, और वो लोग करेंगे भी। ये थे 3 रीजन। और फिर अगर आपको राइट डायरेक्टेड थिंकर बनना है तो उसके लिए आपको 6 चीज़ें करनी चाहिए। पहला है आप डिज़ाइन पे भी फोकस करना सीखो, थोड़ा क्रिएटिव बनो। सेकंड है स्टोरी सीखो। थर्ड है सिंपनी पे फोकस करो, मतलब बिग पिक्चर पे फोकस करना स्टार्ट करो, सिर्फ चीज़ों में घुसे मत रहो बल्कि उसे ऊपर से भी देखना सीखो। फोर्थ है एम्पैथी रखो, खुद के लिए दूसरों के लिए भी। पांचवा प्ले, हैव फन। और लास्ट है हैव मीनिंग। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको एक होल न्यू माइंड देने में, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है बड़े बड़े काम करने के लिए। अगर आप ऐसी समरीज फ्री में हर संडे देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, मैं हर संडे आपके लिए ऐसे अमेजिंग समरीज लेके आता रहूंगा। और अगर आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया मुझसे चीजें सीखनी है, कंटेंट क्रिएटर बनना सीखना है, तो नीचे लिंक दी हुई है गूगल फॉर्म की, वो जाके जरूर भरना। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो DBC का प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन जरूर करना, वहां पे मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं ऐसे व्हाट्सएप पे, आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।